हिमाचल प्रदेश सरकार के 1,36,000 कर्मचारियों ने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ओपीएस बहाल करने का संघर्ष तेज कर दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शिमला के बाहर ओपीएस बहाल करने की मांग कर रहे हजारों कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कई कर्मचारियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जब कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो विधायकों को क्या वो कर्मचारी छोड़े ना नौकरी और लड़े लग सकते। इसके बावजूद कर्मचारियों का ओपीएस के लिए संघर्ष थमा नहीं। 5 नवंबर सन 2022 कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र में ओपीएस बहाल करने का वायदा किया गया। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का निर्णय लेकर अपना वायदा पूरा किया। लोहड़ी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को सबसे बड़ी सौगात दी। प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है और अब वे सम्मानजनक जीवन यापन कर पाएंगे। जैसा कि जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पदभार ग्रहण किया है, एक के बाद एक वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि हमें तो याद आती है उस नायक फिल्म की जिसमें अनिल कपूर जी ने एक के बाद एक इस तरह के फैसले लिए थे। और आज प्रदेश सच में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एक नायक के रूप में देख रहा है। और इसी कड़ी में अगर हम कहें कि आज हो गया है वो कमाल, पुरानी पेंशन हो रही है बहाल, तो वो कमाल किया है तो सिर्फ हमारे प्रदेश के नायक माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। दिल से आभार उनका। मुख्यमंत्री महोदय, आपने ओपीएस का जो फैसला लिया है ये बिल्कुल एक नायक की तरह फैसला लिया है। प्रदेश में जब से आप ने पदभार संभाला है एक नायक की तरह आपने सारे फैसले लिए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करके एक प्रदेश के कर्मचारियों और जनता को जो तोहफा दिया है, आज सच में ही सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में एक सच्चा नायक बनकर उभर कर आए हैं और इसके लिए प्रदेश का समस्त कर्मचारी वर्ग उनको नायक मानते हुए उनका आभार प्रकट करता है, धन्यवाद प्रकट करता है और हमेशा के लिए उनका ऋणी रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी, हम आज आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज आपने हमारे पापा को पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। मेरे पापा जब पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष करने जाते थे ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बहुत दिनों तक घर बिल्कुल नहीं आते थे। पर आज मैं बहुत खुश हूँ और यह खुशी आपके कारण ही संभव हो पाई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ रखे, आप दीर्घायु हो और आप सदैव हमारे मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें। एक बार फिर से मैं दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर कन्हैयाराम सैनी और मैं NPSC रिटायर हुआ हूँ और 2019 से मेरी रिटायर हुई है, रिटायरमेंट हुई है। तो मुझे जो है नाममात्र की पेंशन मिलती है और NPS की तरफ से जो है जो भी संघर्ष लड़ा गया है उसमें भी मैंने जो है हिस्सा लिया है ताकि हमें जो है एक सामाजिक सुरक्षा जो है मिल सके। मैं सरकार का बहुत धन्यवादी हूँ, माननीय हमारे मुख्यमंत्री सुक्खू जी का, जिन्होंने हमारी जो पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए जो निर्णय लिया है, तो मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि जो रिटायरी लोग हैं वो अपना जीवन जो है ठीक ढंग से यापन कर सकें। मेरा नाम रीना शर्मा है, मैं गांव बाड़ी जिला हमीरपुर से हूँ। मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से मेरे पति की रिटायरमेंट के बाद मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसके लिए मैं
माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का परिवार सहित कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे पति सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, जिससे हमारा बुढ़ापे का जीवन सुरक्षित व सुखमय हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा। मेरी माताजी सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं। रिटायरमेंट के बाद पहले पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था, अब वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, जिससे हमारी माताजी के जीवन सुरक्षित व सुखमय हो गया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुख की सरकार, हिमाचल सरकार।